और गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें इंजीनियर्स नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त और उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। ये कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगा और इसके लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा। तो दृढ़ता से इस नियमों का पालन करने की बात मनोहर लाल द्वारा कही गई है। देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं, कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है, खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं, वाहन जो हैं डीजल के पेट्रोल के 10 साल और 15 साल उसके जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है, और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोजल एक आदर में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है।